जय माता दी। तो आज प्रथम देव शैलपुत्री देवी का है, जो कि माता के 9 रूपों में से एक रूप माता का शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो शैलपुत्री की कथा किस प्रकार है और क्यों उनको शैलपुत्री कहा जाता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है हिमालय, हिमालय अर्थात एक बर्फ का जो पहाड़ है उसको शैल भी कहा जाता है। संस्कृत का वर्ड है, इसलिए इन देव माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो शैलपुत्री हैं उनकी कथा सती से जुड़ी हुई है। भगवान शंकर का एक बहुत ही मार्मिक घटना है जो आप सब जानते होंगे, उनसे ये कथा जुड़ी हुई है। क्योंकि माता सती जब दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आमंत्रण दिया सारे देवी देवताओं को, तब उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया। हालांकि उनकी जो बेटी थी सती, उनका विवाह तो भगवान शंकर से हुआ, लेकिन कभी भी प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसी कारण वो भगवान शंकर से बड़ा ही क्रोधित रहता था और हमेशा उनके बारे में कटु शब्द कहता रहता था, इसीलिए उसने भगवान शंकर को कभी भी आमंत्रित नहीं किया। और माता सती को ये बात पता चली कि मेरे पिता ने यज्ञ का न्योता सभी देवी देवताओं को भेजा है और महादेव के पास ये न्योता नहीं आया, ये बात उनको पता नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद महादेव के पास भी न्योता आया होगा, तो उन्होंने महादेव से जाके बात की और महादेव से पूछा कि क्या हम मेरे पिता ने यज्ञ करवाया, तो चलिए उसमें हम यज्ञ में चलते हैं। महादेव ने कहा कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। तो माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं तो वहाँ पे जब जाएंगे तो बड़ा सम्मान देंगे और आदर भाव से हमको बुलाएंगे भी। महादेव ने उनकी स्वीकृति मान ली, किंतु महादेव जब उस यज्ञ में गए तो महादेव का उन्होंने खूब अपमान किया और ये बात माता को बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। और उसी के कारण माता सती ने उस यज्ञ के हवन कुंड में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। इस बात से महादेव को बहुत ही क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति के कारण उन्होंने अपनी बेटी की हत्या का कलंक अपने सर पे लिया, और इसी कारण महादेव ने अपने वीरभद्र रूप और महाकाली के एक रूप को प्रकट करा जिसमें दक्ष प्रजापति की सारी सेनाओं को मारा गया। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की इस बात से सहायता मांगी और भगवान विष्णु ने भी दक्ष प्रजापति को सहायता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि महादेव के विरुद्ध वो जा रहा था और भगवान विष्णु और भगवान महादेव एक दूसरे के आराध्य हैं, तो वो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। और क्योंकि भगवान विष्णु भी भगवान महादेव को पूछते हैं।